हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुलकर्णी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर टाइप के बारे में। एक्चुअली डॉक्टर कितने टाइप के होते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है, उनके साथ कैसे एक्ट किया जाता है और किन डॉक्टर के साथ, किस टाइप के डॉक्टर के साथ कैसे एक्ट करना चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हमारे लिए हो सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फ्रेंड, एक्चुअली डॉक्टर की कैटेगरी की बात किया जाए, डॉक्टर के नेचर के ऊपर ये बेस्ड कैटेगरी है। डॉक्टर जो होते हैं स्पेशली ना, फोर टाइप के होते हैं, ठीक है। वन बाय वन हम देखते हैं उनकी कैटेगरी, उनके करेक्टर और उससे हमें कैसे हैंडल करना चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डॉक्टर कैटेगरी में, जो पहला रेड है, पहली कैटेगरी है वो है फियरी रेड डॉक्टर, ठीक है। अब ये फियरी रेड डॉक्टर कौन से होते हैं? फियरी रेड डॉक्टर फ्रेंड वो होते हैं जो बहुत गुस्से वाले डॉक्टर होते हैं। इतने गुस्से वाले कि अगर आपने आप जाते हैं उनके पास, चुपचाप कॉल करके चले जाते हैं और इतने गुस्से में कभी कभी रहते हैं तो अपने अटेंडेंट को भी फ़ोन करके उल्टी सीधी बात बोल देंगे। कभी आपने ढंग से सैंपल नहीं रखा तो आपको डांट देंगे। मतलब कभी भी गुस्से में आकर कुछ भी बोल सकते हैं वो, मतलब गाली भी दे देंगे गुस्से में आके, कुछ भरोसा नहीं उनका। इतने ज़्यादा गुस्से वाले जो डॉक्टर होते हैं, अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं फियरी रेड डॉक्टर। अब ये फियरी रेड वाले डॉक्टर कौन, मतलब इनकी खास बात क्या होती है? देखिए, जितने भी इस टाइप के डॉक्टर आपको मिलेंगे ना, ये दिल के बड़े अच्छे होते हैं डॉक्टर्स। अब ये इतने ज़्यादा तड़क भड़क वाले होते हैं, इतने ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, तो जो बाकी की मेडिकल रैप्स हैं उनकी तो वैसे ही फटती रहती है। तो काफ़ी मेडिकल रैप तो इसलिए उनका कॉल नहीं करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया तो यार बेइज्जती हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। या कुछ लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे ही बस डरे डरे काम करके चले आते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं करते। देखो, ऐसे डॉक्टर ना बहुत अच्छे होते हैं, नेचर वाइज बड़े अच्छे होते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। तो अगर आपको ऐसे डॉक्टर कहीं पे मिलते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले हैं, तो आप उसके पीछे पड़ जाइए, उसको कन्विंस करिए। क्या करना है कन्विंस करने के लिए? सिंपल है, हर एक डॉक्टर को कन्विंस करने का एक ही तरीका होता है, वह है उसकी कुंडली पता करिए। क्या डॉक्टर को पसंद है, उस डॉक्टर को पसंद क्या है, कौन से कलर का पेन लगता है, क्या उसका मतलब नेचर में कौन सी चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं, उन चीज़ों को पता करिए और उसके अकॉर्डिंग वैसे ही फ्रेंड आप एक्ट करिए, ठीक है। अगर ग्रीन कलर के पेन से लिखना पसंद है, ग्रीन कलर के पेन से आप रिमाइंडर लगाइए, उसको गिफ्ट दीजिए। और आप ज़्यादा उसके सामने कभी भी ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करिए। ओवर स्मार्ट यह कि जाना है तो यस 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 यही करना है बस आपको, ठीक है, जी सर यस सर जी सर यही करना है आपको। मीन्स उसको ईगो को ना, डॉक्टर के ईगो को कभी भी हार्ड नहीं करना है, उसको हमेशा क्या करना है, अप में ही रखना है, उसके ईगो को बूस्ट करके ही रखना है। अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है, उसको हमेशा बड़ा करके रखना है, क्योंकि बहुत ही ईगोइस्टिक टाइप के डॉक्टर ये होते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको साहब बना के ही रखना है, जिससे क्या होगा कि ना आपकी ट्यूनिंग वहां पे बन जाएगी। और एक बार ट्यूनिंग आपकी बन गई ना और आपका ब्रांड चलने लगा ना, जल्दी कभी वहां कटेगा नहीं, बंद नहीं होगा, क्योंकि बाकी लोगों की हिम्मत ही नहीं है कॉल करने की, ठीक है। तो पहली कैटेगरी ये हो जाती है। अब दूसरी कैटेगरी कौन से होते हैं? मीटू टाइप के डॉक्टर होते हैं, मतलब आओ यार बैठो, आज बातें करेंगे, ठीक है, चार बातें भी करेंगे, आपको चाय भी पिला देंगे, आपसे प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे, देश दुनिया की बात करेंगे, दूसरी कंपनियों की बात करेंगे, दूसरे MR की बात करेंगे, बिजनेस नहीं देंगे ये, ठीक है। क्या करेंगे? बिजनेस नहीं देते हैं ऐसे डॉक्टर। ये क्या कहते हैं, बातें करने में बहुत तेज़ हो जाते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है, हमने दो तीन विजिट किया, डॉक्टर ने हमको एक चाय पिला दिया, अब तो हम बिल्कुल भाई साहब एकदम, अरे यार मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है उस डॉक्टर से, बहुत खुश हो जाता हूँ मैं उससे मिलके, वहाँ चलो बहुत ही नेचर वाइज डॉक्टर है भाई, चलो चाय भी पिलाएगा वहीं पे। अभी क्या है वहाँ जाकर, लेकिन बिजनेस नाम पता, एक साल एक महीने गए, दो महीने गए, छः महीने गए, छः महीने बिजनेस कितना आया, 2 स्ट्रिप का बिजनेस आया, 5 स्ट्रिप का बिजनेस आया, बिजनेस नहीं ले पाए। अब वो इतने प्यार से बिहेव कर रहा है, इतने अच्छे से बातचीत कर रहा है कि महंगे महंगे जो गिफ्ट आ रहे हैं ना, हाई वैल्यू जो इनपुट आ रहा है, वो भी जाके हम इन्वेस्टमेंट कराए, अंडरस्टैंड। हम क्या कहें, क्यों? क्योंकि बड़ा अच्छा रिलेशन है उससे, बहुत अच्छे से बात करता है, वो हेल्प कर देगा। पहचानना पड़ेगा आपको कौन सी कैटेगरी में वो फॉल कर रहा है, अंडरस्टैंड। यहाँ पे कभी भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या बड़ी एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना है, कुछ भी बिजनेस उधर से नहीं आने वाला है। वो मीटू करके आपसे मिला रहेगा, बातचीत करता रहेगा, चाय पिलाता रहेगा, हैवी इन्वेस्टमेंट या एक्टिविटी ले लेगा, बिजनेस आपको देगा ना, या कंपनी आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी वाट लगा देगी, ठीक है। तो ऐसे डॉक्टरों से बच के रहना है, ऐसे डॉक्टरों को अगर बिजनेस लेना है तो सिंपल सा बात है, उनको माल चिपकाना आना चाहिए कि सर ये कंपनी का प्रेशर है, ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप मेरा जो है आपके नाम पे मैंने 2 डब्बा मंगा लिया था, आपके नाम पे मैंने 4 डब्बा मंगा लिया था, ये रख लीजिए, इसको निकाल दीजिए, बट पेमेंट का पंगा वहाँ पे ना आने पाए। इस तरीके से फ्रेंड आपको एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे कैटेगरी के डॉक्टर। अब बात करते हैं तीसरी
तीसरे टाइप का डॉक्टर हो। तीसरे टाइप का डॉक्टर कौन सा होता है? साइलेंट किलर, इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। पेशेंट रहेंगे उसके पास ठीक ठाक से, धंधा भी आ जाता है, लेकिन जब आप उसको जाएंगे बात करेंगे तो आपसे कुछ बोलेगा नहीं, बस चुपचाप ऐसे बैठा रहेगा, आप जाइए अपना डिटेलिंग करिए, वो यस यस चुपचाप है। कभी कभी यस, कुछ डॉक्टर रहेंगे जो यस भी नहीं बोलेंगे, चुपचाप ऐसे बैठे रहेंगे, बस आपको देखते रहेंगे, आप जाओ ऐसा डिटेल करूँ, बस इशारों में बोल दीजिए शुरू हो जाओ, मतलब कुछ बोलेंगे नहीं, इशारों में आप पूरा डिटेल करेंगे, सर ये आपके लिए, सर वो कैंपेन करना था कैम कर लूँ, सर आपका नाम जो है डॉक्टर वहाँ बोला गया था तो मैंने आपका नाम इस कैंपेन में दे दिया, ठीक है ओके। कुछ और कुछ उनको बोलना ही नहीं, मतलब कुछ नहीं बोलना है उनको, ठीक है। कितना भी आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, कितना भी उनको बुलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक वो बोलेंगे नहीं तब तक प्रॉब्लम नहीं, उनकी नीड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, हम कुछ बात ही नहीं कर पाएंगे, एंगेजमेंट ही नहीं होगा। लेकिन ऐसे डॉक्टर कुछ नहीं बोलते, साइलेंट रहते हैं, बस आपको देखेंगे आपको सुनेंगे, आप जाइए, अब ज़्यादा तो आप उनको छेड़ तो सकते नहीं है, बोलो ही बोलो, तो बोलते ही नहीं कुछ है। अब ऐसे डॉक्टर को कन्विंस करना ना बड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, हम छः छः महीने कॉल करते रह जाते हैं ऐसे डॉक्टर से, लेकिन कभी ना वो कन्विंस ही नहीं होता या कुछ बोलता ही नहीं। अब जब बोलता है जो लिख रहा है वही लिखता रहता है, हमारे ब्रेन के लिए कन्वर्ट नहीं होता, हम उसको रिमाइंडर कार्ड भी लगा दिए, उसको रेगुलर कॉल भी कर लिए, अपने बॉस को भी साथ में लेके गए, वो भी मिलाए, पूरी कोशिश करे, अपने बॉस के बॉस को लेके चले गए, सारी स्ट्रेटजी लगा के रख दिया, लेकिन उस डॉक्टर ने ना कुछ बोला ना हमारा ब्रेन लिखा, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आप देखते होंगे, आपके एरिया में मिलते होंगे। जो कैटेगरी मैं बता रहा हूँ कमेंट करके बताइए आपको कौन सी कैटेगरी के डॉक्टर आपके एरिया में है, जिससे आपके इस टाइप के पाले पड़े हैं और आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, ठीक है। तो अब ऐसे डॉक्टर से अगर मुझे बिजनेस लेना है फ्रेंड तो कैसे लेंगे, ठीक है। देखिए ऐसे डॉक्टर को ना आपको किसी ऐसी एक्टिविटी में इंगेज करना पड़ेगा जहां उनका बायो डेटा लेने की ज़रूरत पड़े, मतलब उनका डेट ऑफ बर्थ, मैनेजर यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ साइंटिफिक कोई प्रोडक्ट, मतलब कोई फॉर्म सील उनसे साइन अप कराइए, कोई ऑनलाइन कोई उसको सर्विस प्रोवाइड करिए या कोई फॉर्म उनसे भरवाइए किसी सर्विस के लिए, जिसमें उनको ना अपना पूरा डेटा देना पड़े। अब डेटा देना है तो उसके लिए बोलना ही पड़ेगा, और जब बोलेंगे तो वही बात बन जानी है आपकी, अंडरस्टैंड। तो वहाँ से आप कैंप कर लीजिए, कैंप में कुछ एक्टिविटी करनी है, किस तरह डिज़ाइन होगा उसके लिए प्लान कर लीजिए, कोई इनके साथ कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, या फिर उनको गेट टुगेदर में बुला लीजिए, या फिर उनके साथ वही फॉर्म फिलअप करा लीजिए। तो 5-7 एक्टिविटीज़ हैं अगर यहाँ पर आप करेंगे तो वो उनको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बोले ना एक्टिविटी हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और क्योंकि मैंने अपने लाइफ के अंदर इन सभी टाइप के डॉक्टर्स को फेस किया हूँ और सभी टाइप के डॉक्टरों को कन्विंस किया है अपने ब्रांड के लिए और ब्रांड लिखवाए हैं, इसलिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। तो आपको यहां से इस टाइप के डॉक्टर को आप कन्विंस कर पाएंगे इस टाइप की एक्टिविटीज, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे उनको बोलना मैंडेटरी हो। आप कॉल करने के लिए जाएंगे नहीं बोलेंगे, तो आप वो फॉर्म लेके जाइए, कॉल मत करिए, बस वो एक्टिविटी की बात करिए, बस और कुछ बात नहीं करनी। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, फोर्थ कैटेगरी की, ठीक है। ये डॉक्टर नॉर्मल डॉक्टर होते हैं, ये बोलते भी हैं, बात भी करते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं, ठीक भी हो जाते हैं, नॉर्मल कैटेगरी के जो डॉक्टर होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर मिलेंगे आपको वो इसी कैटेगरी के मिलेंगे जो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। अब ऐसे डॉक्टर को कन्विंस कैसे करेंगे? ऐसे डॉक्टर को कन्विंस करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर कन्वर्जन के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए, मोटी मोटी चीज़ों को यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। डॉक्टर पसंद नापसंद को देखिए, रेगुलर कॉल कर लिए, रेगुलर रिमाइंडर लगाइए, कैजुअली उनसे मिलने की कोशिश करिए, कैजुअल टॉक करिए, अपनी ऑनेस्टी को प्रूव करिए, अपने आप को शो करिए कि हाँ नहीं आप उनके लिए डेडिकेटेड हैं, अपने ब्रांड की डिटेलिंग अच्छे से करिए, अपने ब्रांड की USP को हाईलाइट करिए, ठीक है, और उनसे रिलेशन बिल्डअप करने की कोशिश करिए, ट्रस्ट अपने ब्रांड के ऊपर डेवलप करने की कोशिश करिए, अपने ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करिए, ऐसे डॉक्टर कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन इन सब डॉक्टर को कन्विंस करना सबसे टफ है, नॉर्मल डॉक्टर को कन्विंस करना सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि बाकी की मैंने जो 3 कैटेगरी बताया उसमें कुछ एडवांटेज है, किसी डिसएडवांटेज है, जिसकी वजह से अगर आप उन सब को फॉलो अप में लेंगे तो बात बन जाएगी। लेकिन जो नॉर्मल कैटेगरी होता है उस पर मेडिकल रैप का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ मेडिकल रैप, नंबर ऑफ कंपनीज बहुत ज़्यादा होती हैं। जब तक आप यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करेंगे फ्रेंड ना, जब तक आप जूते नहीं रगड़ेंगे फील्ड में जाके ना, जब तक कैजुअल जाके नहीं मिलेंगे ना, तब तक बात बनने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, अगर इनको कन्विंस करना है इस टाइप के डॉक्टर को तो एक्स्ट्रा मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे बिजनेस आपको आएगा, ठीक है।
चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, बस चारों कैटेगरी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आपको कौन कौन से कैटेगरी के डॉक्टर के साथ पाला पड़ा हुआ है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको क्या चारों कैटेगरी के डॉक्टर आपने देखे हुए हैं या कौन कौन से कैटेगरी के आपके आपने डॉक्टर देखे हैं, कौन से नहीं देखे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए, थोड़ा मज़ा आएगा। कमेंट बॉक्स का वीडियो बनाऊंगा, वहाँ हम लोग और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने इस वीडियो में डाल के आपको देने की कोशिश किया है, आपको आपके डे टू डे वर्किंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप चाहे न्यूबी हो, चाहे स्टार्टअप हो या फिर एक्सपीरियंस है मारा हो, सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस स्टेप्स को फॉलो करिए, अप्लाई करिए, एडवांटेज लीजिए। कोई और प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए क्रिएट करता रहूँ, ठीक है। चलिए बाय।